ओंकार कामने अम्ले ऋतु कॉस ऑफ 7π/4 प्लस आई साइन 7π/4 जानना मैथ 46 का बड़ा मैथ 46 का चलो अभी ये 7π/4 7π/4 कैसा करना है देखो 7π/4 बोले तो 45 तो 7 × 35 31 315 तो 315 में से कैसे करने का देखो cos 315 अभी देखो कल मैंने पढ़ाया है अभी तुम्हें समझ में आएगा तो cos 270 प्लस 45 ऐसा आएगा बराबर है देखो 270 प्लस 45 270 बोले तो कल कई प्रॉब्लम है देखो अभी 270 बोले तो अपोजिट 270 बोले तो अपोजिट मैं वीडियो चालू करता हूं तो तुम्हें अच्छा लगेगा और टू सेवेंटी बोले तो अपोजिट बराबर है तो साइन कॉस का अपोजिट क्या हो गया साइन 45 अभी बोलो 270 बोले तो अपोजिट 270 बोले तो अपोजिट 270 बोले तो अपोजिट साइन 270 प्लस फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव सीधे ओरिजिनल एक प्लस है तो ये भी प्लस आएगा 1/√2 साइन 7π/4 साइन 7π/4 मतलब साइन 315 मतलब सेम साइन अभी मैं 360 माइनस करता हूं चलेगा कुछ प्रॉब्लम नहीं 360 माइनस 45 कितना वही सेम दोनों है मुझे 50 रुपीज मांगता है तो मैं 10 का 5 दे सकता हूँ बराबर है मैं एक 100 की नोट देके उसको 50 रुपया वापस ले सकता हूँ हो गया उसको 50 दोनों तरीका सेम है तो 360 माइनस भी कर सकता हूँ 270 प्लस भी हो सकता है 315 मिला ना लेकिन ये करने के लिए रूल अलग है बोलो 360 बोले तो सेम साइन 45 360 माइनस फोर्थ क्वाड्रेंट कॉस पॉजिटिव सी द ओरिजिनल माइनस सो इसका आंसर आया माइनस 1/√2 ओके चलो ये देखो तो ये अभी मुझे वैल्यू पुट करने का √2 1/√2 प्लस आई इंटू माइनस 1/√2 तो जेड इज इक्वल टू √2 × 1/√2 कॉमन 1 - i √2 गया z = 1 - i दैट्स ऑल नोरा कौन सा क्वेश्चन नंबर है फिफ्थ का सेकंड ये शायद पेज नंबर 15 बोलो एक्सक्यूज मी सर बोलो बच्ची बोल एक्सप्लेन करू शकाल का कोणता पार्ट नाही कळाला तुला बाळ कालची प्रॅक्टिस काल होती का तू पहिली हो पण सेकंड पार्ट माझा हां घरी प्रॅक्टिस केली का त्याची तू हो सर ते समज केलं पण इकडचा सेकंड पार्ट नाही समजत कोणता सेकंड पार्ट सांग बरं बाळ √2 ब्रॅकेट 1/√2 + sin 2 1/√2 हां कळलं नाही बाळा
इथे का इथे वैल्यू टाकली ना मी त्याच्यामध्ये वैल्यू टाकली बघ रूट टू कॉस 7π/4 कॉस 7π/4 हा 315 म्हणजे काय बाई कॉस 7π/4 येस तो कितना आया 1/√2 आय ये आय साइन ये 7π/4 उसका वैल्यू क्या आ गया भाई -1/√2 अब ये दोनों कॉमन निकाला √2 × 1/√2 तो ये बचेगा क्या 1 इधर क्या बचेगा माइनस आ √2 गया 1 × 1 - 1 - यस आया यस आया सुन में आया क्या नाम है तेरा गौरी गौरी कमळे चला बरोबर का यस सर थैंक यू सर Done, sir. Okay. Done, sir. Okay. चलो जाए दूसरा है जेड इज इक्वल थर्ड प्रॉब्लम 7 cos −π/6 प्लस आई साइन चलो सेवन तो अभी क्या करेंगे इसको जेड इज इक्वल टू 7 cos −θ एक दो फॉर्मूले ध्यान में रखने का cos −θ cos θ और sin −θ −sin θ cos −θ cos θ sin −θ cos θ sin −θ cos θ sin −θ तो ये देखो cos −θ cos θ 5/6 प्लस sin −θ sin −θ −sin θ तो माइनस साइन क्या आएगा बाहर माइनस साइन आएगा बाहर तो ये आएगा माइनस आई साइन 5π/6 अभी तुम्हें मालूम है पाई बाय सिक्स बोले तो कितना पाई बोले तो 180 तो इधर हम लिखेंगे 5π/6 5 × 5/6 बोले तो 30 180/6 30 वास्तविक में कितना हो गया 150 तो जेड इज इक्वल टू 7 cos 150 माइनस आई साइन 150 यस तो मुझे कॉस 150 करने का है दो तरीके से कर सकते हैं हम कॉस ऑफ 90 + 60 बोलो 90 बोले तो अपोजिट तो क्या करेंगे साइन 60 बराबर है ये add sugar to copy है तो बोलो 90 प्लस ये फर्स्ट क्वाड्रेंट सेकंड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट फोर्थ क्वाड्रेंट बोलो 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव सी द ओरिजिनल ये कॉस है ओरिजिनल कॉस है तो निगेटिव आएगा सो −60 और साइन 60 का वैल्यू जो है √3/2 तो मैंने ट्रायंगल दिया था ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है ये 30 ये 60 30 के सामने 1 ये √3 और ये 2 ये sin 60 अब sin 60 अपोजिट अपॉन हाइपो √3/2 तो ये cos 50
150 आया, साइन 150। अभी मैं इधर 90 से किया है, अभी मैं 180 से भी कर सकता हूँ, कौन सा भी किससे ही करो वही आंसर आएगा, आंसर वही आएगा, सेम आंसर आएगा। बोलो 180 माइनस 30, अभी बोलो 180 बोले तो सेम साइन 30, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, 180 माइनस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, सीधा ओरिजिनल, ओरिजिनल में साइन है तो ये प्लस आएगा, सो प्लस हाफ, प्लस हाफ आएगा, तो साइन 150 हो गया, बराबर है। तो जेड इज इक्वल टू बोलो 7 कॉस, कॉस ये देखो अभी 150 का वैल्यू क्या आ गया, बोलो 150 का वैल्यू माइनस रूट थ्री माइनस आई। ओके चलो ठीक है, अगर ए 7 अंदर डाल दिया तो भी चलेगा, माइनस 7 रूट 3 अपॉन 2 प्लस माइनस 7 बाय आई, यस ऐसे करो। अच्छा नाच ला आवाज करू नका, अयो माइक नाच, अरे आवाज करू नका, एक्सक्यूज मी सर, बोलो बच्चू नाव बोला पहिलं आणि मला कळ, सर श्रेयस बोलतोय सर, श्रेयस मानकर बोला साहेब, काल एवढं सगळं शिकवलं गोल टू गोल, गोल टू गोल नाही लक्षात आलं बडा, हा सर ते सगळं लक्षात आहे सर, पण ते कन्फ्युज झालं सर, 60 बघ ना कशाला 1960 किती झाले हो महाराज, बोल ना किती झाले, किती आले 1960, किती आले 150, आता बोल 90 बोले तो One. अरे 90 बोले तो 90 बोले तो अपोजिट, डांस करो ना घर पे यार, मम्मा पप्पा को दिखाओ यार क्या पढ़ाया मैंने, कैसा डांस किया है, बोलो 90 बोले तो अपोजिट, 90 बोले तो अपोजिट, 90 बोले तो अपोजिट, 180 बोले तो सेम, 180 बोले तो सेम, 180 बोले तो सेम, नहीं आया तो सेम, नहीं आया तो सेम, ऐसा 360 बोले तो सेम, 360 बोले तो सेम, और 270 बोले तो अपोजिट, ओके हो गया, कॉस का अपोजिट कौन आया भाई, साइन, ओके साइन 60 देखा, अभी प्लस माइनस का, प्लस माइनस का कैसा होता है, 90 प्लस, ये देखो ये 90 है, ये जीरो है,
180 है, ये 270 है, ये 360 है. कल मैंने बोला 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, 90 प्लस सेकंड क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, सेकंड क्वाड्रेंट साइन पॉजिटिव, सी द ओरिजिनल, ये साइन पॉजिटिव होता है. लेकिन इधर कॉस है, ओरिजिनल देखने का, इसलिए माइनस आया. और माइनस 60 यहां से किया, ये देखो सिक्स साइन बोले तो अपोजिट अपॉन हाइपो, रूट थ्री बाई टू, सो रूट थ्री बाई टू ये आया बराबर. चलो और कुछ जाए आगे, चले नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट. सर लेकिन सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है ना, तो साइन पॉजिटिव आना बनता ना, मैं वो उस तरह कंफ्यूज. अरे गदरिया, सी द ओरिजिनल, सी द ओरिजिनल, सी द ओरिजिनल, ये ओरिजिनल क्या है, ओरिजिनल क्या है, चेंज होने के बाद नहीं देखने का बच्चा, ओरिजिनल कौन है बोल. हाँ कॉस. हाँ 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 हाँ, चलो मजा आ गया. चलो आएगा आएगा आएगा, तुम्हारा भी नंबर आएगा. चलो जाए आगे, और किसी को कुछ प्रॉब्लम, घर पे करो आज सब घर पे, कल का लेक्चर फिर से देखो, फिर से देखो. हाँ चलो सेकंड थर्ड प्रॉब्लम एंड द फोर्थ नाउ, फोर्थ प्रॉब्लम. Z is equal to e raised to pi by 3i. Z is equal to e raised to pi by 3i. तो क्या आता है, ये थीटा आया, थीटा कितना आया pi by 3. तो आंसर क्या आएगा, cos pi by 3 plus i sin pi by 3. Yes, Z is equal to cos. पाई बोले तो 180, 180 अपॉन 3, 60 प्लस आई साइन 60. बोलो जेड इज इक्वल टू कॉस 60, फिर से आ गया ये 60, ये 30, 30 के सामने 1, ये रूट 3 और ये 2, कॉस 60 1 अपॉन 2, 1 अपॉन 2 प्लस आई साइन साइन 60 रूट 3 बाई 2 1 by 2 plus root 3 by 2 i. Yes, चलो करो, देखो आंसर इसका बराबर है क्या, इसका आंसर बराबर है क्या, देखो पानी पीता हूं मैं जरा. सर आंसर राइट है, बस उन्होंने 1 प्लस रूट 3 अपॉन 2 ले लिया है, 2 को कॉमन लिया है और चलता है ना, मतलब बराबर है अपना. यस सर राइट है अपना आंसर. Done, sir. Okay. Done, sir. Okay. अभी कैन यू ट्राई योर सेल्फ, कौन ट्राई करेगा,
कौन है ये? चलो ट्राई करो, ट्राई करो, लेको ट्राई करो। Hello, raise your hand for this. Z is equal to cos theta minus 4 by 3 plus I sin of minus 4 by 3. अभी हमने बोला था cos of minus theta, cos theta, sin of minus theta, minus sin theta. देखो हर एक का फॉर्मूला है, cos of minus theta, cos theta, sin of minus theta, minus I sin, 4 pi by 3, इधर भी है 4 pi by 3. अभी 4 pi by 3 मतलब कितना, देखो 4 into pi by 3 बोले तो 60, मतलब कितना हो गया 240. अभी cos, तो ये कितना आया देखो, cos 240 माइनस आई साइन 240. यस, तो कॉस 240 हम लोग 40 ले रहे भक्त, तू ले उन टाको वही, क्या नहीं प्रॉब्लम है. चलो कॉस 180 प्लस 60. यस 180 बोले तो, 180 बोले तो same, 180 बोले तो same, 180 बोले तो same, 180 बोले तो same, not same, same, need बोला है.
180 बोलो तो सेम cos 60 एड शुगर टू कॉफी का यूज करने का है 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट 180 प्लस थर्ड क्वाड्रेंट थर्ड क्वाड्रेंट tan पॉजिटिव सी द ओरिजिनल ये माइनस है cos 60 का वैल्यू क्या है हाफ अभी sin 240 सो sin 180 प्लस 60 चलो बाळांनो ज्यांनी फी भरलेली नाहीये अजून त्यांनी फी भरून टाका बरं पटकन आता बोलायला लावू नका उद्या मी सगळ्यांना लक्षामध्ये का विचारतोय हा त्याच्या अगोदर गुगल पे ला भरा नाही तर भांगरवडीत जाऊन भरा काही प्रॉब्लेम नाही 180 बोले तो सेम 180 बोले तो सेम 180 बोले तो सेम मतलब साइन 60 180 प्लस थर्ड क्वाड्रंट साइन पॉजिटिव सॉरी थर्ड क्वाड्रंट टैन पॉजिटिव सी द ओरिजिनल माइनस सो माइनस रूट 3 बाय 2 तो ये हो गया है हम कहां आ गए इधर आ गए बराबर है तो कॉस इसका वैल्यू आया माइनस हाफ माइनस आई इसका वैल्यू आया माइनस रूट 3 बाय 2 तो माइनस 1 बाय 2 प्लस रूट 3 बाय 2 आई यस दैट्स ऑल अंकिता वाघमारे किती आज एबसेंट आहे बरेच एबसेंट आहेत राव आज चलो हो गया आगे जाए सबका हो गया सेव क्लियर सर थोड़ा अरे क्या रे बच्चा लोग जल्दी करो कंडाल आ जाता है कौन सा है यही है क्या ना सर पुढचे स्लाइड नाही सर पुढचे मागे गेलं म्हणजे हे का नाही सर दुसरे नाही सर हे पण नाही कोणतं हे का मग अरे यार ऐसे क्यों कर रहे ये हेच असेल बळा सर फिफ्थ वन होत अरे असं करताय बळा हे काय एवढंच झालंय ना असं काय करताय कोणता प्रॉब्लेम होता गर्ल्स नाही सर हे नाही हाच होता नाही फिफ्थ वन मग कुठे गेला तो हा काय हा का सर वो वाला सर असं डिलीट हो गया नो सर डिलीट सर वो वाला जैसे डिलीट हो गया वो क्वेश्चन अलग था z is equals to e minus 4 raise to pi by 2 है चलो किसी के पास से ले लो नहीं तो इसमें देखो हां ठीक है ओके सर डिलीट झालं का ते चलो नेक्स्ट z is equal to e raise to 5 pi by 6
आय चलो करो लो करो लो करो लो चलो करो चलो कसला आवाज येतो रे माइक बंद करा कोणाचा तरी हॅम 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 काहीतरी येतो आवाज श्रेयस मानकर बंद कर माइक काहीतरी आवाज येतो गरज असेल तेव्हाच बोला ओके ओके सबका हो गया रेज योर हैंड हाथ ऊपर करें Z is equal to cos 5 pi by 6 plus I sine 5 pi by 6. Okay? Abhi pahile bolo 5 pi by 6. Pi by 6 bolo to 30. 5 pi by 6. 300. Kaisa 300 gadar ya? Sorry, 1500. 150. 150 चलो ये हो गया अभी cos 150 और sin 150 हमने पीछे अभी एक प्रॉब्लम में देखा रहेगा 150 शायद हुआ था अपना 5 pi by 6 क्या नहीं हुआ था एक जगह हुआ था अपना ये देखो माइनस रूट 3 अपॉन 2 अरे क्या यार हुआ था ना ये देख 5 pi by 6 हुआ था ना यार मुझे याद है ना चलो 5 pi by 6 देखो क्या है इसका वैल्यू cos 180 minus 30 और इसको भी हम लोग क्या करेंगे 180 minus 30 ओके सिद्धेशवीर अभी बोलो 180 बोले तो सेम cos 30 180 minus second quadrant sin positive see the original so minus root 3 by 2 ये 180 बोले तो सेम sin 30 180 minus second quadrant sin positive so that is half So answer is minus root 3 by 2 plus I into 1 by 2. So Z is equal to minus root 3 by 2 plus I by 2. ओंकार कांगणे तुझ्या वडिलांनी फी भरली बरं खऱ्यास ओंकार कांगणे हा नाही म्हणायचं हो म्हणायचं गदड्या हो काय म्हणायचं हो चल हो नॉट हा ओके चल ओवर जाय आगे Six. Z is equal to 1 plus 2i
वन माइनस थ्री आए, क्या करने का है, मॉड्यूलस एंड आर्गुमेंट। चलो एक्सक्यूज मी सर, बोलो बच्ची। सर सिक्स क्वेश्चन हो गया है, ये हो गया है। चलो सेवंथ, सेवंथ हुआ क्या, देखो आई माइनस वन, अभी कल परसों हुआ क्या, ये हुआ है क्या, कॉस फाइव बाई थ्री प्लस आई साइन फाइव बाई थ्री। चलो इसको कर ले ले, राइट इन पोलार फॉर्म, पोलार फॉर्म में लिखने का ये। चलो इसको मिटा देते हैं, मिट जा बाबा। ओके चला झालं का, रेज युअर हँड, रेज युअर हँड। झूम बाबा ने तुम्हें दिया है ना, तो फिर झूम बाबा की जय बोलो और हाथ ऊपर करो। तीन हाथ ऊपर, तीन हाथ ऊपर, ओनली थ्री हैंड्स। ओ कम ऑन फास्ट, चार, चलो बच्चा दे दू क्या, कितना इजी है यार, क्यों रोते हो। आई माइनस वन कॉस 60, ये 60 है, ये भी 60 है, सो कॉस 60 वन बाई टू प्लस आई साइन, बोलो कॉस 60 रूट थ्री बाई टू, तो क्या हो गया, जेड इज इक्वल टू I minus 1 upon 1 plus I sin root 3 upon 2, ऊपर जाके उल्टा, तो z is equal to 2 into I minus 1 upon 1 plus I sin root 3, अरे sin नहीं, sin नहीं, sin लिखा ना हमने, value लिखा ना उसका, फिर से sin की। ओके तो क्या हो गया, ये रूट थ्री, रैशनलाइज करो भाई, टू इन टू आई माइनस वन अपॉन वन प्लस आई रूट थ्री इन टू
वन माइनस आई रूट थ्री वन प्लस सॉरी माइनस है ना तो माइनस ही लेने का माइनस आई रूट थ्री सो जेड इज इक्वल टू टू इंटू ब्रैकेट आई इंटू वन माइनस आई रूट थ्री माइनस वन वन माइनस आई रूट थ्री अपॉन ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर चलो फिर क्या करेंगे देखो वन स्क्वायर माइनस आई रूट थ्री द होल स्क्वायर बराबर है जेड इज इक्वल टू टू क्या आएगा आई माइनस आई स्क्वायर रूट थ्री इधर बैठेगा नहीं यार बोलो जेड इज इक्वल टू ब्लैक का यूज करेंगे जेड इज इक्वल टू टू इंटू ब्रैकेट आई माइनस आई स्क्वायर रूट थ्री अरे यार ऊपर जाता है थ्री माइनस माइनस वन प्लस आई रूट थ्री यस ये माइनस वन प्लस आई रूट थ्री अपॉन वन माइनस आई स्क्वायर रूट थ्री स्क्वायर थ्री जेड इज इक्वल टू टू आई माइनस इधर अभी हम लोग क्या करेंगे इसको जरा हटा देंगे यस ये हो गया ना बच्चा लोग तुम्हारा ये हो गया ना क्या नहीं हो गया अरे लिखी हुआ क्या नहीं हुआ सर नहीं हुआ अरे लिखो चलो फिर जल्दी चलो जल्दी लिखो जगह नहीं है ना फिर मेरे लिए चलो ठीक है लिखो सर बोलो 11th सीट से एक्स्ट्रा लेक्चर नहीं है कशाच मॅथ्स त्यांना सांगायचं आमच्या क्लासच्या वेळेत गोंधळ नाही करायचा कॅन्सल झाले कॅन्सल नाही त्यांना सांगायचं आमच्या वेळेमध्ये घ्यायचं नाही तुम्ही तुमच्या वेळेत घ्या आपली जी वेळ आहे ना त्यांना द्यायची आमचे असे असे क्लासेस आहे नाहीतर तुम्ही आम्हाला एक द्या कायमचे आमचे असे असणार आहे आम्ही बदलणार नाही ते देत नाही फिक्स त्यांनी दिले होते की नाही फिक्स अगोदर बरोबर आहे की नाही मला सांग त्यांना सांगायचं बोलायचं तुम्ही यू मस्ट स्पीक असं चेंज करायचं म्हणजे फार अवघड जात बाय मग बराबर आहे की नाही अरे बच्चा लो बराबर आहे की नाही फिर गडबड हो जाता है यस सर गुड बोलने का ना उनको बोलने का और वो बोले तुम तुम्हारा क्लास देखो ऐसा नहीं होता है वो भी लोग टीचर लोग भी लेते हैं अपना कॉलेज में भी पगार लेते हैं और उधर बाहर भी लेते हैं अरे कॉलेज में मतलब बच्चों को नहीं समझता तो बाहर क्या करेंगे वो लोग क्या है सब डबल इनकम आई इंटू बोलो माइनस आई स्क्वायर माइनस वन रूट माइनस वन
प्लस आई रूट थ्री यस अपॉन वन माइनस माइनस वन आई स्क्वायर माइनस वन तो जेड इज इक्वल टू टू आई प्लस वन इंटू रूट थ्री माइनस वन प्लस आई रूट थ्री अपॉन वन प्लस थ्री जेड इज इक्वल टू टू रूट थ्री माइनस वन ये सब बराबर है क्या देखो अगर कुछ भी गलत हो गया तो फिर गड़बड़ हो जाएगा आई रूट थ्री अपॉन फोर वन जा टू जा सो जेड इज इक्वल टू रूट थ्री माइनस वन प्लस आई कॉमन सो वन प्लस रूट थ्री आई अपॉन टू अपॉन टू चलो लिखो यार तो ये मिल गया मुझे ए बी तो मुझे क्या फाइंड करना है पोलर फॉर्म पोलर फॉर्म में क्या मांगता है ए बी मांगता है और ये थीटा भी मांगता है तो वन इनटू थ्री है तो सेकंड स्टेप ला तो तुम्ही वन प्लस थ्री लिहिले सर तिथे टू इंटू थ्री पाहिजे इथे इथे हा इथे थर्ड स्टेपला सर थर्ड थर्ड थर्डला काय झालं हा काय झालं टू इंटू थ्री पाहिजे सर वन मायनस 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 प्लस वन प्लस प्लस थ्री वन जा थ्री ना टू किधर रे गदड़े यार ये देखना रे यार ये अलग है ये एक साथ है बड़ा प्रोडक्ट करते पहला आया क्या दिन में ओके सर चलो 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 अभी इधर करते हैं इसको भगा देते हैं एक झटके में यस यस चलो ब्लैक बाबा जेड ए कितना हो गया रूट थ्री माइनस वन अपॉन टू बी कितना हो गया रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू रूट थ्री प्लस वन अपॉन टू बोलो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर मॉड बोलो मॉड आर इज इक्वल टू जेड जेड मॉड जेड इज इक्वल टू अंडर रूट बहुत ही बड़ा यार root 3 minus 1 upon 2 the whole square root 3 plus 1 upon 2 the whole square under root bolo root 3 square plus 2 into no minus hai na to minus kar lo so minus 2 into root 3 into 1 plus 1 square upon 4 minus plus root 3 square plus 2 into root 3 into 1 plus 1 square upon 4 under root. Chalo. 3 minus 2 root 3 plus 1 plus 3 plus 1 upon four. This and this get cancelled. 3 plus 1, 4. 3 plus 1, 4. 4 upon 4, 4. 8 upon 4. Root 1 by 2. Root 1 by 2. So 1 upon root 2. Chalo, kar lo, yaha tak karo. R mil gaya. Matlab modulus mil gaya. R mil gaya. Abhi polar form mein theta mangta hai. Theta. फिर से रैशनलाइज करना पड़ेगा फिर से रैशनलाइज करना पड़ेगा बहुत बड़ा है चलो लिखो जल्दी जल्दी मुझे बारहवीं का बैच है बाबा 4:15 चलो हो गया क्या लिखिए मुझे ये रेड वाला करने का है ये देखो हो गया आने लगे बच्चे लोग बारहवीं चलो यस सर
हमने बड़े बड़े वो पूछते नहीं है लेकिन अपने को करने का है। अरे ब्लैक बाबा की जय। चलो ब्लैक करेंगे। चलो अभी क्या आ गया? थीटा। थीटा चलो बहुत ही टाइम जाएगा इसमें। ये यहां इसके आगे हम लोग कल सॉल्व करेंगे ठीक है, थीटा निकालने के लिए सिर्फ। ओके ओके सर, थैंक यू सर। ओके बाय 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 सर। बाय 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 सर। बाय सर। बाय बाय। यहाँ तक लिखा ना सबने? चलो कोई बाकी है क्या? देखो नहीं सर। हाँ चलो कोई है क्या? देखो चलो तुम्हारा अपना ज्वाइन करो। ओके बाय 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 सर। बाय बाय सर।